So let me start with the live. In terms of all your questions, ABC के फॉर्म को जो लेकर आ रहे हैं, लॉट ऑफ यू गाइज आर फेसिंग अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग योर आधार कार्ड रजिस्टर्ड, और किन किन लोगों का तो ब्लॉक हो गया है. आई गेस गाइज ये सारी चीज़ें आई थिंक विल हैव टू गेट इट रिजॉल्व फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड एंड यू नो आई एम ट्राइंग टू फाइंड एंड लाइक प्रॉपर अपडेट, बिकॉज इसका आंसर डायरेक्टली इफ आई गिव यू एनी थिंग इट विल बी लाइक कि आपने ऑफिशियली बोला था. तो अगर आपका आई कार्ड ब्लॉक हो गया है तो लाइक यू नो आधार कार्ड ब्लॉक हो गया है तो वॉट इज़ द एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर दैट दैट आई नीड टू गेट इट ऑफिशियली फ्रॉम समवन कि बस अभी बच्चा क्या कर सकता है. आयुष फॉर बीसीए कॉलेज. आयुष देख बीसीए मुंबई में सिर्फ एक दो कॉलेजेस ही अच्छे हैं. देर आर ओनली 5 कॉलेज इन टोटल हु आर ऑफरिंग बीसीए लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन. ऑल ऑफ देम हैव स्विच टू बीएससी आईटी. जैसे बीबीए और बीएमएस का है ना मुंबई में, वैसा ही पंगा है. सो इफ यू वॉन्ट टू डू बीसीए इन पुणे आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, बट इफ यू वॉन्ट टू डू बीसीए इन मुंबई, हिंदुजा इज अ कॉलेज विच इज ऑफरिंग. देन कॉलेजेस लाइक चंद्रभान शर्मा इज ऑफरिंग, बट दीज कॉलेजेस कितना अच्छा है उनका कोर्स वो हम नहीं बोल सकते. ओके सो दोज लिस्ट आई गिव यू. सो मुंबई से बी सी ए की जगह बी एस सी आई टी इज़ अ बेटर कोर्स. एंड एज आई टोल्ड यू गाइज कि बी एस सी आई टी ही कंसिडर कर रहे हो तो प्लीज़ डू चेक फॉर बी एस सी डेटा साइंस विच इज़ ऑफर्ड बाई बी एस ई इंस्टीट्यूट. आई विल टेल माई यू नो टीम टू पुट द लिंक ऑफ दीज कोर्सेज एंड कॉलेजेस सो दैट यू नो कि आपके पास ये भी ऑप्शन है. नाउ रीज़न बींग आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके 60% आए हैं एंड यू रियली वॉन्ट टू मेक योर करियर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू नो बी एस सी आई टी बी सी ए जैसा सब्जेक्ट, देन गिव द इंटरव्यू. आप ऑनलाइन भी उनके एग्जाम दे सकते हो. 250 rupees इज द रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जाम विच इज़ अ गुड थिंग कि बॉस एटलीस्ट ट्राई टू गेटिंग अ प्रोफेशनल कॉलेज विच विल गिव यू अ बेटर डिग्री. आयुष हाय आयुष हाय रिजवान मैम विल्सन पिल्ले विच वन इज़ बेटर फॉर बी एम एस एंड वाई. रिजवान नाउ फॉर दिस आई वुड से बोथ आर सेम. देख विल्सन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज यू नो. पिल्ले इज़ अगेन ऑटोनॉमस समवेयर अ प्राइवेट मैनेजमेंट यू कैन से. पिल्ले इज़ डूइंग गुड बट नवी मुंबई में है एंड अपकमिंग है इन टर्म्स ऑफ दे आर ट्राइंग टू रीच देयर कंपेरेटिवली. विल्सन वॉज सुपर्ब देयर वॉज अ टाइम बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल्सन का जो रिव्यू है बिकॉज ऑफ द फैकल्टी क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन ड्रेन. द रीज़न इज़ गुड फैकल्टी बहुत ही कम कॉलेजेस में है. सो इन दिस केस रिजवान आई वुड लाइक टू टेल यू कि दोनों ही अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे है कॉलेजेस में अगर हम चेक करेंगे तो. ओके सो दैट इज़ द आंसर फॉर इट. हाई शुभम मनमीत सैनी गुड आफ्टरनून यार. हाई अवनी गुड टू सी यू अगेन. ट्रैवलर्स गुड इवनिंग यार. एम ए यू में एंट्रेंस स्टार्ट. तंसिया साबू फॉर दिस माई टीम इज़ चेकिंग कंटिन्यूसली फॉर पी जी कोर्सेज लाइक यू नो इन टर्म्स ऑफ द एडमिशन एंड एवरी थिंग. सो फार मुंबई यूनिवर्सिटी का उस पर अपडेट नहीं आया है कहीं पर भी. सो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, जैसे ही आता है आई कीप यू गाइज पोस्टेड. एज यू नो माई टीम इज़ कंटिन्यूसली पुटिंग पोस्ट लाइक सेजल एंड जेनीवीव आपको वो पोस्ट बना के दे देते हैं. जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, कोई फॉर्म खुलती है या कोई एप्लीकेशन ओपन होती है तो फॉर पी जी ऑल्सो वी आर ट्रैकिंग इट. सो एम ए ई एम ए का तंसिया साबू एक बार चेक हमने चेक किया है बट देर इज़ नो अपडेट एज सच. और कॉलेजेस का अपना एंट्रेंस चालू हो गया है कुछ कुछ कॉलेजेस के. सो लाइक के सी कॉलेजेस ऑफरिंग इट, देर इज़ यू पी जी कॉलेजेस ऑल्सो ऑफरिंग इट. तो आपको अगर कोई कॉलेज सिलेक्शन है तो उनकी वेबसाइट एक बार देख लीजिए. यूनिवर्सिटी का अगर कोई भी ओपनिंग होता है विल डू इट. इवन कॉलेजेस विल यू नो कीप यू अपडेटेड विद दैट. सो भी एबीसी आईडी क्या है. एबीसी आईडी इज लाइक योर क्रेडिट बैंक. स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी किया है एनईपी ने. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलो, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग से लेके. अभी जो एनईपी अगर अमेंड हो गया, मतलब सब कॉलेजेस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो गाइज लिटरली आफ्टर 1 ईयर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा एंड यू कैन लीव योर कॉलेज. इट इज़ नॉट लाइक नो मोर मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू कम्प्लीट 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. बट एनईपी अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है इन ऑल द कॉलेजेस. सो नॉट ऑल द कॉलेजेस हैव एक्सेप्टेड और इम्प्लीमेंटेड. जैसे ऑनर्स प्रोग्राम को मैंडेटरी कर रहे हैं कि 3 साल के बाद एक सर्टन सी जी पी ए के बाद आप ऑनर्स कर सकते हो. सेम इसमें लाइक वॉट एवर कोर्स दैट यू आर डूइंग.
तो वो सारे चेंजेस के चलते एबीसी ऐसा एक नया इंट्रोडक्शन है, डिजी लॉकर के जगह, डिजी लॉकर का ही पार्ट है बट इट्स लाइक अकाउंट बैंक, लाइक क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम करके बोल सकते हो आप, एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट ऐसा उसका ये फुल फॉर्म है। तो आपके सारे जो क्रेडिट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो एक साथ स्टोर हो जाएंगे। तो फ्यूचर प्लानिंग की तरह अगर आप देखो तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कीप ऑल द डेटा इन स्टैक सो दैट यू डोंट हैव टू डू बार बार अपडेट, बट अभी वो बोलते हैं ना बनने के प्रोसेस में है, इसलिए शायद ऑल ऑफ अस आर फेसिंग प्रॉब्लम। बेस्ट कोर कौन सा होगा साहिल, बेस्ट कोर्स कौन सा होगा इन विच थिंग यू हैव टू स्पेसिफिकली आस्क मी, फिनेंस, मैनेजमेंट, यू नो, मास मीडिया और बीए, देन आई कैन टेल यू फॉर श्योर। साहिल वापस एक बार पूछ ले, आई टेल यू। ओके अभिषेक कुमार, दीदी एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म प्रोसेस असिस्टेंस नीड है, मास कम्युनिकेशन बीएएमसी पार्ट वन यूजी, बेस्ट कॉलेज कौन सा है 12th। ओके 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 तो अभिषेक सी वी आर डूइंग द फॉर्म फिलिंग सेशन टुमारो, माई टीम इज़ डूइंग इट, इंस्टाग्राम पे उस पर भी पोस्ट है। तो आपको ऑनलाइन जूम सेशन में फॉर्म फिलिंग करवा दिया जाएगा, सी गाइस इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम 100-200 बच्चों को करें, इसलिए हमने ये पेड रखा है। सो अगर आप कहीं पे भी स्टक हो फॉर्म फिलिंग में, आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, टुमारो देयर इज़ 1 आवर का स्लॉट, 12 to 1 या 1 to 2 का स्लॉट है, बट आप मैसेज कर दीजिए 9137980273 पे एंड माई टीम विल गिव यू द डिटेल। आप ऑनलाइन जूम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं पे करके एंड देल हेल्प यू, 1-2 घंटा जितना भी टाइम लगेगा देल हेल्प यू टू फिल द होल फॉर्म फॉर यू। ओके सो यू कैन ज्वाइन दैट टुमारो। मान्या शर्मा, आर डी नेशनल डीजीएमसी एडमिशन ओपन, येस मान्या शर्मा इनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आज ही विल्सन का भी फॉर्म खुल गया है। तो जितने भी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम विल्सन का फॉर्म नहीं खुल रहा है, टुडे ओनली इट ओपन एंड वी हैव पुट अप द पोस्ट ऑल्सो। इज जय हिंद कॉलेज गुड फॉर बी एस सी आई टी, येस दिशा बी एस सी आई टी के लिए जय हिंद कॉलेज अच्छा है। आधार कार्ड नहीं है मैं कैसे अप्लाई करूँ, रेशमा नाथ आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्लीज़ कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आधार कार्ड नहीं है तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस आप डाल दो। आई एम ट्राइंग टू यू नो गेट इन टच विद यूनिवर्सिटी पर्सन एंड गिव यू द आंसर, एज आई सेड कि अगर लाइक एक स्टूडेंट का तो मेरी उसकी बहन का नाम आ रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यू गाइज कैन राइट इट, आई ट्राई इफ आई कैन गेट यू नो रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल एंड आई कीप यू गाइज पोस्टेड। नाउ पीपल आर पेइंग ऑन सुपर चैट, गाइज थैंक यू सो मच, आई जस्ट चेक, रिजवान आपने भेजा है सुपर चैट, आई थिंक समवन पेड, इट इज़ चिन्मय, चिन्मय दी मुंबई यूनिवर्सिटी एम कॉम एडमिशन इज स्टार्ट और नो, चिन्मय इस पर अपडेट नहीं आई है अब तक, सो जस्ट स्टे ट्यून टू द चैनल, जैसे ही अपडेट आता है विल गिव यू द यू नो विल गिव यू द हेड्स अप। मैंने सेजल को आज ही चेक करने बोला था बट एम कॉम पे लाइक मास्टर्स और पी जी को लेके अब तक कुछ भी यूनिवर्सिटी ने नहीं डाला है, सो आई जस्ट कीप यू यू नो इन लूप, मे बी टुमारो तक आई मेक एन अपडेट वीडियो ऑन मास्टर्स एंड पी जी का व्हाट यू से अपडेट इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस। ओके नेक्स्ट इज मैम विल्सन पिल्ले विच वन इज बेटर, ओके रिजवान आई ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। नाइट मैम रोपी गुड टू सी यू बैक, मैम बी एम एम एंड एफ टी एन एम पी के लिए साइंस से तो कम लोग अप्लाई करेंगे तो उनका चांस तो वैसे ही बढ़ जाएगा यू पी जी में, येस यू आर करेक्ट कि साइंस के बहुत हम लोग अप्लाई करेंगे, बट एक और चैलेंज है ना कि साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए सीटें भी कम हैं, तो नाइटमेयर ओपी वो एक है कि आपकी सीटें कम हैं इसलिए वो चांसेस अगेन वो बैलेंस कर देते हैं उस तरीके से। राहुल कुमार थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट, राहुल माई टीम विल जस्ट चेक योर क्वेश्चन एंड यू नो आई विल आंसर बिकॉज मैं आई कैन सी योर सुपर चैट बट आई एम नॉट एबल टू सी योर क्वेश्चन। ओके ओमकार गावड़े, यार मैं सर नहीं हूँ, तू लिख रहा है सर, व्हाट इफ आई एम पास इन रिवैल्यूएशन एंड गिवन के टी एग्जाम, व्हाट द फ्यूचर प्रोसीजर। ओके ओमकार इसके लिए देख, पहली चीज़ तो अगर तेरे को कंपार्टमेंट लगी है कोई भी एक पेपर में, तू रिवैल में दे या फिर तू अगर री एग्जाम दे रहा है, देर आर फ्यू कॉलेजेस विल बी ओपन टिल सेप्टेम्बर, लाइक ऑगस्ट तक वो एडमिशन लेते हैं, जुलाई में रेगुलर कॉलेज चालू हो जाएंगे, बट जो बच्चे जिन्हें कंपार्टमेंट लगी है या रिवैल के दिया है या जो भी प्रॉब्लम है उनको अगस्त तक चांस मिलता है कि वो एडमिशन, जिन्हें लेट एडमिशन बोला जाता है, तो ओमकार उसके लिए तुझे फिजिकली कॉलेज जाना होगा और चेक करना होगा कि सीटें हैं क्या,
एंड देन यू विल गेट द एडमिशन, बिकॉज रीवैल में तेरे को जब रिजल्ट मिलेगा तभी तू अप्लाई कर पाएगा. सो अभी के लिए यू कांट इवन, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी का भी पंगा है, तो कॉलेजेस विल हेल्प यू टू एनरोल जिनके पास सीटें होंगी, सो दैट विल बी योर प्रोसीजर. अथर्व पटेल, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट यार. हाउ विल आई ट्रांसफर क्रेडिट फ्रॉम नॉन एनईपी टू एनईपी कॉलेज? ओके, सो नाउ इन दिस केस कॉलेज ही आपको ये आंसर दे सकता है, बिकॉज जो नॉन एनईपी कॉलेज टू एनईपी कॉलेज, जैसे आप ये क्रेडिट वाला बोल रहे हो, सो कॉलेज विल गिव यू एन एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोला जाता है. जो कॉलेज आपको एक्सेप्ट करेगा वो आपको एनओसी देगा, फिर आपको ये एग्जिस्टिंग कॉलेज से साइन करानी है और फिर वो कॉलेज एक्सेप्ट करेगा. सो दिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे आपको कॉलेज कैन हेल्प, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू गेट दिस फॉर्मली डन. मीठी बाई के लिए गुजराती कोटा के लिए कहाँ से अप्लाई करें मैम? ओके, तो भाव्या पटेल, इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, गुजराती माइनॉरिटी, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो वैलिड होता है जब आप एप्लीकेशन लगाते होते. सो इन दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ माइनॉरिटी में, गुजराती माइनॉरिटी में एप्लीकेशन भर देना है. When you are taking admission, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट होता है, तो अभी तो आपको एज सच भरना नहीं पड़ता, बट लेटर ऑन यू विल हैव टू. ओके, सो व्हाट यू से, इफ यू लाइक यू नो, आपको सिर्फ कोटा में भर देना है, उसके बाद आपको प्रूफ सबमिट करना है. मैम, नवी मुंबई में SIS एंड पिल्ले को छोड़ के और कोई अच्छा कॉलेज नहीं है ही नहीं? यस, बी गुड, यू आर करेक्ट. नवी मुंबई में फिलहाल कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, दैट इज़ द करेक्ट, दैट इज़ द राइट थिंग. बट कोई और कॉलेज अगर मेरे पास लिस्टिंग में आता है, आई श्योरली शेयर इट विद यू. एज आई सेड गाइज, अगर आप फाइनेंस में देख रहे हो, मीडिया में अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, गाइज दोज वॉन्ट टू डू मीडिया, लाइक यू नो से जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, अगर अच्छा एजुकेशन के लिए देख रहे हो, अच्छे कॉलेज देख रहे हो, तो आई विल टेल माई टीम टू पुट मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन का लिंक इन यू नो इन द चैट बॉक्स. सो मीडिया स्टूडेंट्स प्लीज़ चेक दिस. अगर आप सिम्बायसिस में अप्लाई किया है, जेवियर्स में अप्लाई किया है, वो लेवल का कॉलेज है, बिकॉज इन द लिस्टिंग ऑफ आउटलुक एंड एवरीथिंग इट हैज़ कम टॉप थ्री में, मतलब क्राइस्ट चौथे नंबर पे आता है, तो MIC जो है वो सेकंड नंबर पे है. नाउ व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस कॉलेज, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट कि अगर मुंबई के रेगुलर डिग्री में आपको नहीं जाना है एंड यू वांट अ कैंपस, यू वांट टू हैव अ रिजिड प्रोग्राम, जैसे क्राइस्ट में जितने भी मीडिया वाले स्टूडेंट हैं वो क्राइस्ट में अप्लाई करते हैं, देन सिम्बायसिस में करते हैं, देन जेवियर्स में करते हैं. ये तीन के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं एंड अवेयरनेस नहीं है इसलिए, जैसे कि लास्ट टाइम लाइक यू नो पिछले कई सालों से आई एम डूइंग इट, जो भी इंस्टीट्यूट अच्छा है आई एम ट्राइंग टू रेकमेंड इट, सो दैट यू नो दैट यू हैव एन ऑप्शन, लाइक यू नो यू स्टिल हैव अ गुड कॉलेज दैट यू कैन डू. सो सेजल, कैन यू पुट द लिंक ऑफ मणिपाल इन यू नो इन द चैट बॉक्स, सो दैट पीपल कैन गो एंड चेक देयर वेबसाइट. नाउ रोहन राजहंस, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट यार. चिन्मय, थैंक यू फॉर यू नो यू हैव ऑप्टेड फॉर प्रेफरेंस ऑन लाइव चैट का जो बैज है मंथली, आई विल डेफिनेटली आंसर व्हाटएवर यू आस्क. तो रोहन राजहंस एंड राहुल कुमार, आप दोनों के क्वेश्चन अभी तक सेजल को नहीं मिले हैं, सो शी इज़ चेकिंग फॉर इट. ओके, BBA डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव टेकन पिल्ले कॉलेज पनवेल. क्षितिज पाटिल, फॉर दिस सी नाउ व्हेन इफ यू आर स्टडिंग डिजिटल मार्केटिंग BBA फ्रॉम पिल्ले, पिल्ले एज आई सेड ऑटोनॉमस प्राइवेट कॉलेज है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो आपको एडमिशन दे देंगे. यू डू गिव मी द रिव्यू दैट हाउ वाज डिजिटल मार्केटिंग BBA, बिकॉज इस पे ऑनेस्टली सेइंग आई हैव अ रिव्यू ऑफ BMS विच इज़ डूइंग गुड. BMM भी पिल्ले का अच्छा कर रहा है, बट BBA एंड डिजिटल मार्केटिंग का वी डोंट हैव अ कॉन्क्रीट रिव्यू टू बी ऑनेस्ट, सो मैं आपको उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगी. ओके मैम, अराउंड 10K में मुंबई में एडमिशन हो जाएगा क्या? आंचल रानी, नाउ 10K में एडमिशन मुंबई में हो भी गया यार, तो मुंबई में रहना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एटलीस्ट बेस मिनिमम 20-25,000 तो आपके कहीं नहीं गए. आपका यू नो मंथली खर्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हो सकता है, बट यू नो 10K में एडमिशन एज इन कॉलेज को ही आप देख सकते हैं, बट मिनिमम फीस आपकी 20-25,000 है, और BA कोर्स में हो जाएगा, दैट इज 7,000-3,000 आपकी सालाना फीस है. ओके रोहन राजहंस, मैम इफ माय नेम कम इन सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ सिडनम फॉर BMS टुडे, देन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, कैन आई कैंसिल माय एडमिशन लेटर एंड टेक इन अनदर कॉलेज? ओके,
रोहन, आई नो, आई थिंक तुमने ये इंस्टाग्राम पे भी पूछा था या समथिंग लाइक दैट, सिमिलर क्वेश्चन. सो रोहन, फॉर दिस आई वुड लाइक टू से कि अगर आप एडमिशन ले लेते हो, प्लीज़ रीड द रिफंड पॉलिसी. तो आपका जो रिफंड है वो, और सेकेंड ऑप्शन कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ट्राई टू सबमिट ओनली वन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट आपको वापस मिलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि आप कैंसिल कर सकते हो एडमिशन. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपकी फ़ीस कितनी कटेगी और आपके जो डॉक्यूमेंट है आपको टाइम पे वापस मिलेंगे कि नहीं, वो चैलेंज आता है आपके कैंसिलेशन में. सो प्लीज़ चेक द कैंसिलेशन पॉलिसी एंड कितना आपको टाइम मिलता है कि आप ये सबमिट कर पाते हो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. सो दैट अगर आपका आ जाता है, यू वांट टू सिक्योर द एडमिशन इन सिडनम कॉलेज, देन यू शुड. अल्लू अर्जुन, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट. आई मीन आई वेट फॉर योर क्वेश्चन टू कम इन. ओके सक्षम गुप्ता, आई एम फ्रॉम आईएससी बोर्ड एंड आई हैड पुट माई मार्क्स फॉर रिवैल्यूएशन यस्टरडे. जेवियर्स मेल सेइंग दैट आई नीड टू सबमिट व्हाट मार्क्स आई हैव राइट नाउ. आई सबमिटेड माई ओल्ड मार्क्स, शुड आई डू सेम फॉर मुंबई? सक्षम, सेम फॉर मुंबई तो करेगा, बट मुंबई यूनिवर्सिटी जेवियर्स की तरह रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है. सो आई वुड सजेस्ट कि यू नो, यू मेल इट कि इन टर्म्स ऑफ दिस इज माई मार्क्स, लेटर ऑन यू कैन अपडेट. आई मीन मुंबई यूनिवर्सिटी पे मार्क्स अपडेट करने का कोई पंगा नहीं है, वो लेटर ऑन हो सकता है. बट यू नो वॉट यू कैन डू इन दिस केस इज यू कैन अपडेट दिस थिंग, वॉट यू से, सॉरी, वॉट यू कैन डू इज कॉलेज का जो सबमिशन है ना इंडिविजुअल कॉलेज के फॉर्म में, जैसे जेवियर्स में किया है, उसमें आप कर सकते हो. ओके आई मैम, आई गॉट 86% इन 12th बोर्ड सी बी एस ई, कैन आई गेट 12th बोर्ड सी बी एस ई, कैन आई गेट इन एच आर कॉलेज? ओके दिव्यान सिंघानिया, इफ़ यू आर सिंधी देन येस, आई मीन सिंधी कोटा में फॉर श्योर आपका यू नो इसमें हो जाएगा एच आर में. बट इफ़ यू आर नॉट सिंधी देन यू विल हैव टू वेट कि आपने कौन से कोर्स में लगाया है. बी ए में चांसेस ज़्यादा है, बी कॉम में थोड़ी सी फाइट है फॉर द मेरिट, बट यू नो लेट्स सी, लाइक यू नो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट मेरिट कैसे आती है, तो अप्लाई करके रख दो. राहुल कुमार, मैम मैंने एफ वाई बी एस सी आई टी एल एस रहेजा कॉलेज से किया है, अब मुझे कॉलेज चेंज करना है, प्लीज़ सजेस्ट गुड कॉलेज फॉर हु हैज़ प्लेसमेंट. ओके एफ आई बी एस सी आई टी एल एस रहेजा, अभी बी एस सी आई टी का बेस्ट प्लेसमेंट ऑब्वियसली जेवियर्स है, जय हिंद भी अच्छे प्लेसमेंट दे रहा है, बी एस सी आई टी मोस्टली प्लेसमेंट देते हैं राहुल कुमार. बट नाउ व्हेन आई व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट एंड सेकेंड ईयर स्विच, यू हैव टू गो टू द कॉलेज. मतलब एक बार कॉलेज जा, कॉलेज जो कॉलेज में तुझे एडमिशन लेना है वहाँ पे सेकेंड ईयर में सीट है तभी तुझे मिलेगी. तो नाउ द प्रोसेस बिकम्स इज इन सेकेंड ईयर द कॉलेज शुड एक्सेप्ट योर यू नो एडमिशन, सो यू हैव टू वॉक इन टू द कॉलेज. वैष्णवी, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट. यार यू पी जी एफ वाई फॉर्म दे आर आस्किंग लास्ट कॉलेज अटेंडेड. लास्ट कॉलेज अटेंडेड मतलब तुम्हारा 12वीं, लाइक यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज जूनियर कॉलेज बोलते हैं. तो यू नो इन मुंबई इफ लास्ट कॉलेज अटेंडेड मतलब आपका स्कूल जो प्लस टू स्कूल है वो कौन सा है. श्रेया शर्मा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन सुपर चैट. मैम 64% में बीसीए के लिए कौन सा कॉलेज में अप्लाई करूँ? ओके बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 64 सी चंद्रवान शर्मा में मिल जाएगा. सो देयर इज अ चंद्रवान शर्मा कॉलेज इन पवई, यू कैन अप्लाई फॉर दैट. वहाँ पे आपको इतने परसेंट में भी मिल जाएगा इन बीसीए. हिंदुजा पे ट्राई कर ले, एज आई सेड कि बीसीए इज रेयर इन द कॉलेजेस, सो टू कॉलेजेस आर देयर जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके फ्री, हाई कैन यू प्लीज टेल मी वेयर कैन आई गेट बेस्ट कॉलेज फॉर बी एस सी मैथ्स ऑनर्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग अबाउट 90% इन 12 बोर्ड्स. सो यू नो फ्री, इफ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट मुंबई में ऑनर्स प्रोग्राम बहुत कम है. एनईपी आने के बाद शायद सब कॉलेजेस में ऑनर्स आ जाए, बट देर वॉज ओनली मिठीबाई कॉलेज जो ऑनर्स दे रहा था. सो वॉट यू कैन डू इज ऑनर्स प्रोग्राम के लिए तो यार ऑप्शन एक ही है कि वी डोंट हैव मैनी कॉलेजेस, एंड स्पेशली वेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स ऑनर्स. यहाँ पे जैसे साइकोलॉजी ऑनर्स है जो कि एक ही कॉलेज ऑफर कर रहा था, विच इज़ यू नो मिठीबाई. तराशा, गुड इवनिंग मैम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. मैम कैन वी फिल मल्टीपल कॉलेज फॉर्म एट वन टाइम वाइल फिलिंग मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म? येस
तराशा, आप जितने कॉलेज चाहें उतने भर सकते हो. यू कैन फिल इन एज मेनी एज कॉलेज यू वॉन्ट, ऑल्सो मल्टीपल कोर्सेज इन वन कॉलेज. सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर बी कॉम, बी एम एम, बी एम एस, यू कैन अप्लाई ऑल थ्री इन वन कॉलेज. इट इज़ यू नो, मुंबई यूनिवर्सिटी इज डिसेंट्रलाइज प्रोसेस. प्लीज अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज. सो वॉट एवर यू आर अप्लाइंग, इट इज़ नॉट क्लैशिंग विद अदर कॉलेज. सो मुंबई यूनिवर्सिटी पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉलेज भरने पर. ओके अलू अर्जुन, अगेन थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट. मैं आज 5 जून अपने मार्क्स अपडेट किया सेंट जेवियर्स कॉलेज पे और कॉलेज ने अपडेटेड सक्सेसफुली लिख दिया. मेरा एडमिट कार्ड आज आ जाएगा. अलू अर्जुन मोस्टली आ जाना चाहिए, 7 PM तक का टाइम है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर जेवियर्स, प्लीज़ वेट टिल 7, आज रात तक पूरा वेट करो. हमें जैसे ही बच्चे अपडेट भेजेंगे, मतलब आर स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू नो एंट्रेंस वाय आस, सो वी आर टेलिंग दम टू कीप अस पोस्टेड एज सून एज दे गेट सम मेल, सो दैट वी कैन कीप यू पोस्टेड लाइक वॉट हैपन्ड लास्ट नाइट. सो यू नो प्लीज डू वन थिंग, ऑल ऑफ यू गाइज कीप चेकिंग योर मेल एंड एज सून एज वी गेट द अपडेट कि 7 बजे से आपके हॉल टिकट लाइक एडमिट कार्ड आना शुरू होगा, सो वील कीप यू पोस्टेड. सो आपका सिर्फ मेल ट्रैक करना 7 o'clock के बाद. फ्रैंकलिन फ्रांसिस, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट. इज MET यूनिवर्सिटी मुंबई रेकमेंडेड फॉर BCA? नो गाइज, आई वुड नॉट पर्सनली रेकमेंड MET यूनिवर्सिटी. फर्स्ट थिंग इज ब्रांड वैल्यू इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ MET. सेकेंडली इट इज़ आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई, सो यू आर फार फार अवे फ्रॉम द सिटी. देर इज़ नथिंग अराउंड योर कैंपस, सो यू नो इफ देर इज़ एनी हॉस्टल प्रॉब्लम तो आपके पास कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं है. सो यू नो आई वुड पर्सनली नॉट रेकमेंड MET. अगर आपको किसी ने रेकमेंड किया तो यू कैन टेक योर कॉल, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ बेटर ऑप्शन इन द सिटी and lot of better colleges. Pavan Tandon, which college is good for BMS, Wilson or Sydenham? I've scored 83% in HSC Commerce. Can I get in HRKC, UPG, Bhavans, Wilson and Sydenham? So Pavan Tandon, the way you have described all the colleges, like you know, you have listed down all the colleges. First thing is, ki aapka jo 83% ke hisab se, यू विल गेट इन भवन्स एंड विल्सन्स. सिडनम में भी आपका सेकेंड थर्ड लिस्ट में चांस है, तो ये 3 कॉलेज में तो हो जाना चाहिए. बट टॉकिंग अबाउट HRKC एंड UPG, गोना बी अ लिटिल फाइट. एंड ऑल्सो यू कैन ऐड 2-3 मोर कॉलेजेस लाइक RD नेशनल एंड लाला, सिर्फ ऐड करके रखते. आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू टेक एडमिशन देयर. ये प्रेफरेंस में से तो देखो 3 कॉलेज में चांसेस ज़्यादा है, बट आई वुड से ऐड मोर सो दैट यू जस्ट हैव अ बैकअप. रेशमा नाथ, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट. यार रेशमा, योर क्वेश्चन एज सून एज आई गेट आई विल यू नो रिप्लाई. रोहन, आपका क्वेश्चन मिल गया है. मैम, वेयर कैन आई सी दैट पॉलिसी? सिडनम कॉलेज इज नॉट आंसरिंग द कॉल. विच अदर कॉलेज शुड आई फिल फॉर BMS? कंपेरिजन विद सिडनम फॉर BMS? प्रोसेस इज ऑनलाइन ऑफलाइन? ओके रोहन, हाउ मच इज़ योर परसेंटेज? डिपेंडिंग ऑन दैट जो मेरी टॉप 10 लिस्ट है ऑफ BMS कॉलेजेस, प्लीज़ वो फॉलो कर. तेरा जो परसेंटेज है उसके हिसाब से कॉलेजेस अप्लाई कर दे. सेकेंडली, सिडनम कॉलेज के वेबसाइट पे तेरे को रिफंड पॉलिसी मिल जाता है. एंड लेट मी टेल यू, इन जेनरिक रिफंड पॉलिसी इज कि आप पूरे साल की फ़ीस मत भरो, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस भरो. लाइक देर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम फीस विच इज़ आस्क बाय द कॉलेज, सो जस्ट पे द मिनिमम अमाउंट विच इज़ इंस्टेड ऑफ 30,000 जो एनुअल फीस है 15,000 भरो. उसमें से कुछ 5,000 या 3,000 कटते हैं. एक्चुअली तो 28 डेज के लिए सिर्फ 1,000 रुपये कटने चाहिए. सो दैट इज़ हाउ दिस वन वर्क्स, आई मीन यूनिवर्सिटी वर्क्स. बट एज आई सेड ना कि अगर कॉलेजेस ने फॉलो नहीं किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए फॉर दैट रीज़न आई वॉज टेलिंग कि एक बार पढ़ लेना तो यूनिवर्सिटी साइट पे तेरे को मिल जाएगा, मतलब सिडनम के वेबसाइट पे मिल जाएगा. आयुष स्टडीज, मैम हाउ इज क्राउड देर इन सिडनम? दे सेड दैट 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, इज दैट सो? मैम प्लीज़ टेल बेस्ट कॉलेज दैट आई कैन गो फॉर श्योर फॉर BMS एज आई गॉट 87. ओके सो आयुष, इन दिस केस आई वुड से सिडनम, एज आई सेड, मैंने बहुत पहले भी बोला है और हर लाइव में मैं बोलती हूँ कि सिडनम वॉज अ रियली गुड कॉलेज फॉर मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एंड यू नो कॉमर्स. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी चेंज होने की वजह से वहाँ पर उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ फैकल्टी नहीं है, तो फैकल्टी को लेके बच्चों का कंप्लेन है. सेकेंड आयुष, कि अगर आप 87 लेकर आ रहे हो तो नाउ येस अटेंडेंस कंपलसरी काफ़ी कॉलेजेस में है. HRKC थोड़ा लीनियंट है अटेंडेंस को लेके, तो विथ 87% प्लीज़ ट्राई भवंस कॉलेज. यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन
यू विल गेट से एलएस रहेजा, लालाज, आरडी नेशनल, ये सारे आप ट्राई कर सकते हो. दे आर नॉट दी बेस्ट कॉलेजेस बट यू नो डिसेंट कॉलेजेस दैट यू कैन गेट इन. अविश कुमार, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट यार. मैम सिडनम में फर्स्ट मेरिट में नाम आया और डॉक्यूमेंट अब कॉलेज में बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ और यूपीजी में हो जाएगा बीकॉम के लिए सीबीएसई 86. ओके सो अविश कामरा, अगर आप हरियाणा से हैं तो गाइज ऑल ऑफ यू गाइज दोज आर नॉट फ्रॉम मुंबई, उनके लिए आई वुड ट्राई टू से वन थिंग कि आप प्लीज़ कॉलेज को मेल करो कि कैन वी पे ऑनलाइन एंड सील आर एडमिशन अगर कॉलेज एग्री करती है तो. बट मेजॉरिटी 99% कॉलेजेस आपको मतलब ऑफलाइन आके फीस भरने के लिए बोलती है और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने बोलती है. तो इन दैट केस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि प्लीज़ ट्राई टू आपका जो जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल सबमिट करो एंड बाय सम टाइम एटलीस्ट अ वीक टाइम. सो व्हेन इफ यू आर सेइंग कि अगर सिडनम में हो गया है तो आपको सील करना होगा. यूपीजी गोना बी अ टफ फाइट गाइस. अगर 80 के ऊपर आया भी है आई वुड से 90-85 वाले श्योर हो सकते हैं. गुजराती माइनॉरिटी अगर आपको 80 है तो आपका हो सकता है बिकॉज एज आई सेड व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज दे ऑलरेडी गॉट 3,000 to 4,000 एप्लीकेशन फॉर द सीट ऑफ 120. सो आई एम सेइंग द कॉम्पिटिशन गोना बी रियली हाई. सो यू हैव टू कीप अ बैकअप ऑप्शन दैट इज वॉट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. तो अभी हरियाणा से अभी जब आप बोल रहे हो ना अविश, आपको एक चीज़ है कि यू विल हैव टू कम टू मुंबई, एक वो है, दूसरा आप मेल करके ऑनलाइन फीस भर के ट्राई करो कि इफ़ यू कैन सील योर एडमिशन विद योर डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड टेल देम दैट यू विल कम इन विद इन वॉट एवर डे यू वॉन्ट टू से. ओके रेशमीनाथ दीदी, आई हैव टेक्स्टेड यू ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, प्लीज़ रिप्लाई. ओके रेशमा, आपने रिप्लाई, सी माई टीम इज़ हैविंग द नंबर, आई एम नॉट हैविंग द नंबर पर्सनली, सो यू नो वॉट एवर दे नो दे रिप्लाई. तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी कि कुछ क्वेश्चंस उन्हें भी नहीं पता होंगे जो आप भेजते हो. तो प्लीज़ यहीं पे आप भेज दीजिए, लाइक माई टीम विल यू नो गेट बैक इन टर्म्स ऑफ आई विल टेल यू द आंसर बिकॉज यू हैव पेड ऑन सुपर चैट. चिन्मय मैम, मैंने सी जी पी ए 8.62 एंड एस जी पी ए 7.9, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एम कॉम एडमिशन इन बी एम, प्लीज़ सजेस्ट मी टॉप 5 कॉलेजेस फॉर सी जी पी ए मुंबई करंटली आई एम इन सिडनम कॉलेज. चिन्मय, हाउ वॉज सिडनम कॉलेज फॉर यू, प्लीज़ लेट द ऑडियंस नो बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों का सिडनम में होने वाला है एंड देर इज़ मेरिट लिस्ट ऑल्सो सिडनम की कमिंग. सो चिन्मय, योर यू नो रिव्यू अबाउट सिडनम कॉलेज विल हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज यू आर फ्रॉम सिडनम. ऑल्सो फॉर एम कॉम आई टेल यू द टॉप 5 कॉलेजेस चिन्मय. मैं बहुत ही जल्द एम कॉम के लिए और ऑल्सो एम ए के लिए मैं लिस्ट बना के डाल देती हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हो. मुंबई यूनिवर्सिटी से भी एम कॉम होता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल. एंड एम कॉम के लिए मिठीबाई भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ ऑल्सो यू नो ऑप्शन दैट यू कैन कीप ओपन फॉर योर सेल्फ. मैम एज एन एम मिठीबाई ओपन फॉर्म्स ऑन देयर वेबसाइट यू जी, प्लीज़ रिप्लाई. येस एन एम मिठीबाई का फॉर्म आया है फॉर रेगुलर कोर्सेज, नहीं सॉरी दे हैव नॉट ओपन द फॉर्म बिकॉज सी वी टी के वजह से उनका फॉर्म थोड़ा लैग पे है. सो फॉर दैट गाइज आई विल यू नो कीप यू पोस्टेड इन टर्म्स ऑफ जैसे ही फॉर्म खुलता है तो सी वी टी के एग्जाम खत्म होने के बाद उनके वेबसाइट पे खुलेगा फॉर्म. अभी सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी में आप प्री एनरोलमेंट कर लीजिए एन एम और मिठीबाई का. ओके चिन्मय, थैंक यू फॉर पेइंग ऑन सुपर चैट. ओके आई थिंक टॉप 5 कॉलेजेस आई हैव फिनिश्ड दिस सुपर चैट. ओके ओके आई एम मैसेजिंग माई क्वेरी फॉर एनरोलिंग योर सेशन बट आई एम गेटिंग ऑन व्हाट्सएप. मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते टाइम सेंट जेवियर्स नहीं आ रहा है. अल्लू अर्जुन, इट विल कम एंड आई हैव टोल्ड माई टीम टू रिप्लाई यू ऑन व्हाट्सएप. आई एम रियली सॉरी गाइज इफ यू आर नॉट गेटिंग रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप बिकॉज देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेज एवरी आवर. सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू फॉर माई टीम टू यू नो कीप अ ट्रैक ऑफ इट. तो उसके वजह से आपका मिस आउट हो रहा होगा बट दे गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ यू नो मेकिंग श्योर दैट यू नो दे आर एबल टू रिप्लाई एज मच एज दे कैन. ओके इन मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म आई चोज ऑप्शन फॉर बी बी ए ऑनर्स बिकॉज देर वॉज नो ऑप्शन बी बी ए डिजिटल मार्केटिंग, सो विल इट बी एन इशू. सितिज पाटिल, फॉर दिस आपके कॉलेज ऑटोनॉमस है तो आपको कॉलेज, एक और चीज़ में तो मैं बोलना चाहूँगी, मुंबई यूनिवर्सिटी में बी बी ए डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगा क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी बी बी ए ऑफर नहीं करती है.
तो जब आप पिल्ले कॉलेज से कर रहे हो तो प्लीज़ चेक कि वो डिग्री कहाँ से अफिलिएटेड है. गाइज यू हैव टू बी रियली पर्टिकुलर अबाउट दिस बिकॉज एक ही कॉलेज होमी बाबा से भी एसोसिएट हो सकता है, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी अफिलिएटेड हो सकता है, SNDT से भी अफिलिएटेड हो सकता है. वो अलग अलग कोर्सेज अलग अलग लोगों के साथ देते हैं. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जय हिंद कॉलेज में BBA TISC के साथ है तो मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलेगी, TISC की मिलेगी. बट BMS जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ है तो वहाँ पे आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी. सो सितेश पाटिल, दैट इज़ अ थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको देखना है BBA डिजिटल इज नॉट विद मुंबई यूनिवर्सिटी बट विद सम अदर यूनिवर्सिटी. ओके, अप्रॉक्सीमेटली वेन विल मिटीबाई लिस्ट बी आउट एंड वॉट आर द चांसेज ऑफ मी गेटिंग इन टू मिटीबाई? ओके, नाउ वेदर ही मिटीबाई का तो पूरा CUET के स्कोर पे है, सो वील हैव टू वेट टिल द CUET एग्जाम्स गेट ओवर, उसके बाद ही उनकी फॉर्म खुलेगी. ओके चिन्मय मैम, सिडनम कॉलेज इज गुड एंड मैम देर इज ओनली इन BCom अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी. सो गाइज सिडनम कॉलेज में जिसकी जिसकी लिस्ट लगी है, थैंक यू फॉर चिन्मय, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेम्बर इन टर्म्स ऑफ ही सब्सक्राइब फॉर यू नो प्रायोरिटी ऑन द चैट वेन एवर आई गो लाइव, सो दैट ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर. सो चिन्मय थैंक यू फॉर गिविंग अ रिव्यू, सिडनम कॉलेज इज़ गुड गाइज. तो अगर जिनका भी 80-85 के बीच में आया है या 75-85 के बीच में आया है, यू कैन सिक्योर योर एडमिशन इन सिडनम. एंड BCom के लिए अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, तो BCom के साथ जो भी CFA CA कर रहा है प्लीज़ गो फॉर दैट. ओके मैम, हैज सेंट जेवियर्स बैक फॉर्म, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बट इट विल टेक 15 डेज टू मेक, सो व्हाट टू डू मैम नाउ? ओके राहुल सिंह, फॉर दिस डोमिसाइल के लिए तो अप्लाई कर दे एंड जस्ट राइट एन एप्लीकेशन, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिक्लेरेशन इन टर्म्स ऑफ दैट यू हैव अप्लाइड फॉर योर डोमिसाइल एंड यू विल बी सबमिटिंग एज सून एज द ओरिजिनल डोमिसाइल इज आउट. सो वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है तो अटैच करके अपलोड कर दे, दैट वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज. वाइल एप्लीकेशन आपने जब भर दिया हो उसके बाद कॉलेज को मेल भी कर देना. ओके सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट. एंड गाइज वन मोर थिंग अबाउट द फिनेंस, दोज हु वॉन्ट टू स्टडी इन फिनेंस, एज आई सेड कि आई हेल्प यू विद कि अगर मीडिया में जाना चाहते हो एंड यू गाइज रियली वॉन्ट अ गुड कॉलेज, गो फॉर MIC विच इज़ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन. दे आर ऑफरिंग ऑनर्स प्रोग्राम इन BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विच इज़ equivalent to doing it from all the top universities that you are applying, because I thoroughly went through the course. It is quite a rigid program. So if you are looking for the best school in journalism, MIC is really a very good option, Manipal Institute of Communication, in the main campus of Mahe. Now, second, as I said, BSc Data Science आप check कर सकते हो of BSc Institute. Thirdly, you can check for BSc Finance. I'll put that link also. In terms of अगर आप BAF करना चाह रहे हो and you are looking for a course which is like, you know, आप जो BBA Finance वगैरह करने की कोशिश कर रहे होंगे NMIMS में where you're gonna pay 3 lakh, और Symbiosis से BBA in Finance कर रहे होंगे where you're gonna pay, you know, similarly 3-8 lakhs between the same course, like, you know, same course structure, BSc in Finance that you can do from BSc Institute. So, you know, that is also one option and that too from Mumbai. So, you can apply for this, entrance exam open hai. I'll tell Jen or Sejal to put, you know, BSc Finance ka link also in the chat. And also for the Masters and PG program, I'm putting up the videos as you guys are asking for admission open hua hai kya, best colleges and the courses that you can opt for. In, you know, in Mumbai colleges especially, Pune University ke admissions are open. So those of you guys are looking for BBA in Pune University, please go enroll in the colleges. It has already started. I mean, the Xavier's mail, they said they won't wait to recheck marks. So will my merit list be released on old marks, even if I update the marks this week? Thanks a lot. Saksham Gupta, yes, probability shayad wo check na kare. As I said, if UPG college has got 3000 application for 120 seat, Xavier's has got more than 10,000 application pan India for 150 seat. So can you imagine, they will not check. And you know the worst part is ki when you talk about this one, they are charging 3000 and they are not even replying mails on time and answering the call. If Xavier's management is listening to this, I think, you know, listening to the live or any member ever watches this, I will also try to put it in reel ki bhai aap 3000 rupees le rahe ho, please bachcho ko timely update de do. That is what we can expect, right? Because 3000 is their annual fees of BA course which they are charging just for an entrance exam.
So that is really little not acceptable from the Xavier's end. Okay, Rohan, ma'am, can I get admission in Ferguson College with 92%? ISC Board BA English Honors Program in Maharashtra General Open Category. Rohan, yes, your chances are really high. Ferguson ka bhi Xavier's jaisa haal hai yaar ki sab 90s wale wahan pe apply karte hain. But 92 mein, you know, fingers crossed by second list aapka ho jana chahiye. When you say BBA and you know BA ke liye I'm putting up the list in Pune, but Ferguson is the best. Baki colleges ko to itna zyada hai nahi. Pune mein again Symbiosis stands top pe, and for BBA MIT jaisa college is really good. So MIT ka entrance already ho gaya, but you can try you know ki agar wahan pe seats hain to aapka chance ho sakta hai. Ma'am, maine CGPA okay. I think Sejal Chinmay ka already maine reply kar diya hai question. Okay ma'am, what about Whistling Woods College? I've got 65% in 12th. I want to do mass communication. Can I secure this college? But the 2 lakh is not refundable. Should I secure this college or see other? Okay Aditya, for this what you can do is you can please message me on our WhatsApp number 9137980273. In terms of Whistling Woods management, say I can help talking in terms of securing your admission if they can lower your fees in terms of 2 lakh ki jagah agar aap bhar rahe ho to, because see agar aap admission le rahe ho yaar unki bhi seat block hoti hai kahin na kahin. So just let me know which course you are applying. I can tell you ki tumhe secure karna chahiye ki nahi seat. Agar worth it hai to I'll tell you personally ki bhai secure kar le, agar nahi hai to I'll say no. Okay, so Whistling Woods jaisa hai waise hi jaise MAHE bhi hai, you know MIC bhi hai, Manipal Institute of Communication. But tell me the course, agar Whistling Woods ka course uske comparison mein better hai to I'll tell you go for Whistling Woods. And kitne percentage aaye because tere percentage ke hisab se bhi bahut matter karega ki you know which college you are getting in Mumbai. Agar acha nahi mil raha hai then I'll suggest you for that as well. Okay, I think 2 more questions guys I'll take. Kashish, ma'am, list mein naam aane ke baad is it important that student should report or any other college? Relative can pay the fees in HR and KC. So Kashish, your relative can pay in HR and KC, but unko ek NOC leke jana hoga that you know you have authorized them to pay the fees and take the admission. So aap ye kar sakte ho, but physically jana hota hai, that is one thing, you know, a problematic thing. Ma'am, I can admission in RA Podar with 85.8 college BMS course. Tushar, apply kar de I would say, but please keep an option for other colleges also, because Podar ka bhi jo cutoff hai wo bahut zyada high aata hai. I'm facing some document problem while filling the form, can I add it later? Yuvraj Singh Gohil, agar wo star mark nahi hai, abstract mark nahi hai compulsory wala, then you can yes add it later, but agar hai to tujhe abhi mandatory karna hoga. Okay ma'am, how is ISMI and what course should I take for marketing BMM or BBA, and what is the entrance exam should I take? Okay, first thing Vrishti Shah, when you talk about marketing, so there are 2 type of marketing. One is money wise allocation and one is creative marketing. So agar aap mass media lete ho to you will be the one designing the posting campaigns, advertising and say making social media post. Agar aap BMS karte ho तो बी एम एस की जो मार्केटिंग होती है इज़ मोर रिलेटेड टू एलोकेटिंग द बजट, यू नो मेकिंग अ प्लान कि आप जो पैसे जहाँ जहाँ डाल रहे हो उसका आर ओ आई कितना निकलेगा. सो वन इज़ अ मैनेजमेंट थिंग एंड वन इज़ अ क्रिएटिव थिंग. तो आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करें, बिकॉज बोथ द वेज मार्केटिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. वन ऑफ द एस्पेक्ट कि क्रिएटिव बंदा जो एक बोलते हैं ना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कन्वर्जन पे है, एस सी ओ पे है, आपके टेक्निकलिटी पे है, बट वो बंदा लाइक आपका कोर्स क्यों बाय करेगा या फिर यू नो आपका प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा, बिकॉज अगर वो कन्विंसिंग पिच होगी तो ही बाय करेगा. सो दैट इज़ वेयर द मीडिया लाइक द क्रिएटिव एंड द मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ यू नो कन्वर्जन कम्स इनटू पिक्चर. ओके आई गेस गाइस मोर और लेस आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन अभी तक का, एंड सिडनम कॉलेज की लिस्ट जैसी आती है आपको अपडेट मिल जाएगा. आई एम ट्राइंग टू पुट द सैम्पल पेपर का पोस्ट इन टर्म्स ऑफ जेवियर्स कि आपके जो पेपर शुरू होने वाले हैं आपको थोड़ा सा एक सैम्पल प्रैक्टिस मिल जाए. आई एल टेल माई टीम टू डू दैट सो दैट वी हैव फाइनली अ सैम्पल
paper of Xavier's that you can solve before you go to the exam. Okay guys, so all the best for all the Xavier students who are appearing for it. And अगर 75 अबव है प्लीज़ अप्लाई करो, बिंदास एग्जाम दो. ये मत सोचो कि नहीं होगा नहीं होगा, जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम 100% सो दैट यू नो एटलीस्ट, बोलते ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस अगर हुआ तो हो जाएगा. ओके मैम, एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी को अफिलिएटेड है क्या? नहीं प्रवीण हटकर, इट इज़ अफिलिएटेड टू होमी बाबा यूनिवर्सिटी. एंड लेट मी टेल यू, एल्फिस्टन कॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो प्लीज़ बी केयरफुल, तेरे पास दूसरे कॉलेज ऑप्शन है तो दूसरे कॉलेज ट्राई कर सकता है. मैम पाटकर का फॉर्म ओपन हुआ क्या? विकास पांडे, यार मैंने चेक नहीं किया है पाटकर का, बट अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा. एंड यू नो इफ माई टीम गेट्स टू नो एन अपडेट, विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट. मैम बी एम एम विथ 68% मुंबई यूनिवर्सिटी, माही परमार, येस यू नो यू विल डेफिनेटली गेट द कॉलेज. आई हैव ऑलरेडी मेड अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दैट यू कैन अप्लाई बिलो 70, तो वो एक बार देख ले. अगर नहीं मिला प्लीज़ मैसेजेस, विल टेल यू विच कॉलेज टू गो. ओके ओके अल्लू अर्जुन, मैम मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में BBA भरते टाइम सेंट जेवियर्स कॉलेज नहीं आ रहा है. अल्लू अर्जुन बिकॉज BBA है ही नहीं जेवियर्स में, सो BBA मत चूज कर, BMS चूज कर, आ जाएगा. सक्षम मैम, BMM का कोर्स MU के वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, टॉप BMM कॉलेज को 82%. सक्षम B.M, अभी गाइज वी आर अपलोडिंग अ वीडियो बाय 6 or 6:30 PM बाय द कोड, तो अगर आपको कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं प्लीज़ वो कोड फॉलो करो, आपको कोर्स मिल जाएगा BA, BMM, BMS. वो कोड कैसे ढूंढना है हमने वो एक्सप्लेन किया है, बिकॉज लॉट ऑफ यू गाइज आर फेसिंग दिस इशू. सो आई अपलोड द वीडियो बाय 6:30 एंड यू नो प्लीज़ वॉच इट एंड आपका फॉर्म फिलिंग कर लो. अगर नहीं हो पा रहा है तो टुमारो यू कैन ज्वाइन द सेशन एंड गेट योर फॉर्म फिलिंग डन. ओके जैसी सैम्पल पेपर का लेवल बहुत इजी है, ओरिजिनलिटी क्या है? ओके JSC का सैम्पल पेपर इजी है और पेपर भी इजी ही आता है. सो सैम्पल पेपर और जितने टॉपिक उन्होंने दिए हैं वो सॉल्व कर लो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम. ओके गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन लाइव, आई सून सी यू लाइव अगेन, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, आई विल कीप यू पोस्टेड विद ऑल द थिंग्स कमिंग अप एंड ऑल द important information that you need for your you know application. And filmy stan, I'm last year student, I have a login ID but I can't log in, I tried with the new one too but still can't do that, I have a PRN number too, what can I do, please help. Filmy Shah, this you need to check with my team yaar, like what is the issue that you are facing, because I think आपका जो password है वो आपको आपका date of birth उल्टा करके लिखना है, वो सब try करो हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा है तो you know PRN number है तो PRN से login कर सकते हो आप, you know you can log in again with your PRN, you should be able to according to the process, but कुछ mistake हो रहा है so then please कल के session में आप एक बार मेरी team से पूछ लेना, they'll surely help you to log in. ओके बी फ्री विल्सन प्रोवाइड, सी गाइज कॉलेजेस टॉप 10 सारे ही आपको इंटर्नशिप देते हैं, बिकॉज इंटर्नशिप इज़ नॉट अ बिग डील, बट आप इंटर्नशिप में सर्वाइव करते हो कि नहीं वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है. सो इंटर्नशिप कॉलेजेस देती है बट आपको सर्वाइव करना होना चाहिए, लाइक यू शुड बी विलिंग टू वर्क, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग आई हैव सीन, दैट स्टूडेंट्स दीज डेज आर नॉट विलिंग टू यू नो सस्टेन इन एन इंटर्नशिप, बिकॉज दे आर लाइक बोर होता है, काम नहीं करने होता, दे आर लॉट ऑफ स्ट्रेस, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. Okay guys, so that was update so far and I think mostly I have answered almost all your questions and please send in the question, jo bhi cheez pe lagega ki bahut zyada zarurat hai and a lot of you guys are stuck, I'll definitely make an update and post it as soon as possible. Okay guys, so all the best for all the process that you're doing and any help you're most welcome to ask Media Mentor. I'll soon do a live on Instagram also so that you know wahan pe bhi hum kar sakte hain. Okay guys, thank you for joining in live and I'll see you soon guys live as soon as possible, okay?